बेलियो मियाँ आसफ अली एक बार फिर थोड़ी खिदमत हाजर आते इस टाइम मैं मौजूद हाँ जन्म स्थान ननकाणा साहब उस थान जिथों लोग आ रहे हैं इंट्री हो रही है जिथे यानी कि यह नहीं कि बाहरों जी इंट्री हो रही है देखो ये रश लग्या पे एक बड़ी देर दी एवं लाइन लगी हुई है लोग आई जा रहे हैं नंघी जा रहे हैं अगे जाई जा रहे हैं। अच्छा आप पिछे वो मशीन आ स्कैनर मशीन जिदे विच सारा समान रखा जाता आ अगे हो के माड़ी जी स्कैनर मशीन भी दिखा दौ कि जिदे विचों ना सारा समान स्कैन हो के अगे आता वा तो आ मशीन ये हर शायद जी स्कैन हो के अगे आती है तो मेरा ख्याल हाले गलते कि करिए क्योंकि पिछों धक्का पैंता वा आवाम बेचारी खड़ी होंगी नहीं क्यों अगे दगे निकली जा रहा है लोग वो कहें कि हम इतने की करना असं खड़े हो के बहर आला दो चार की लंघ जाए फिर करते हैं। अच्छा इतने तुम हिसाब ला लो कि घट्टो घट जो वा पूरी दुनिया तो जेडे 10,000 के करीब सिख आते हैं पाकिस्तानी बड़ी वो तादाद होंगे तो वो सारे इतने तो हूँ कहाँ से आए हैं आप? एयरपोर्ट जिले से। अच्छा खड़े होना ते मेरा ख्याल है इत्थे वैसे खड़े होना औखा वा क्योंकि इत्थे खड़े हो के गल नहीं किसी नाल अपने कोलों कर होनी क्योंकि लोग आ रहे अगे जाई जा रहे आ इधरले पासे आ खड़े आ इन्हां दे नाल जाके मेरा ख्याल है गल करते हैं आप। इधर एक होर फैमिली बैठी है इन्होंने गलबात करते हैं कितों आए हैं? हाँ जी की नाम? मुस्कान। कितों आए हो? हैदराबाद। हैदराबाद आए हो? बड़ी दूरों आए हो? जी पहली बार आए हो कि पहले भी कभी आए हो? नहीं दूसरी बार आए। अच्छा कितने दिन हो गए आए हैं? अभी पहला दिन है आज। इतने की कुछ किया? अंदर दर्शन किया गुरुद्वारे में गए मत्था टेका और बाहर भी शॉपिंग की। अच्छा बाहर शॉपिंग की थी? शॉपिंग बस ज्वेलरी वगैरह ही। सेवा भी की है कुछ के नहीं? सेवा नहीं की। नहीं अच्छा अच्छा शॉपिंग वाली आप तो सेवा वाली बड़ा भाई? सेवा बड़ा भाई के लिए शॉपिंग करनी? हाँ सेवा करूँगी अभी टाइम है अभी बैठी हूँ 3 दिन यहीं पे। हाँ बेटा सेवा करोगे तुम्हें वह मिलेगा वरना कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बच्ची है ये भी ने मैनू आप क्या वा कि मेरी गल भी कराओ। हाँ जी मैं सिंध से आई हूँ मैं बद्दीन में रहती हूँ और मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ और मैं आर्मी स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ कहाँ आई हो? ननकाणा साहिब। क्या करने आई हो? यहाँ पे गुरु गुरु का जन्मदिन है। दर्शन करने आई हूँ। ठीक कितों आए हो? सर हम बदीन से आए हैं ननकाणा साहब गुरु का दर्शन करने और इधर बहुत हमको इधर मज़ा आया हमको दर्शन करने गुरु का बहुत इंजॉय कर रहे हैं बहुत इधर मज़ा आए। हाँ बहुत मज़ा आए यहाँ पर गुरु के जन्म स्थान पर आए और मज़ा ले रहे हैं और बहुत सुकून है यहाँ पर। जन्म स्थान ननकाणा साहब से बहुत सारिया फैमलिया के नाल इतने मुलाकात हुई बड़ी दूरों दूरों लोग आए हैं तो आ एक फैमिली इतने पहले तो वैसे मैंने बड़ी खूबसूरत लगी ना फैमिली आ तुसी देखो कैसे खूबसूरत लोग आ मैं इन्हों मुछा देख के हैरान हुआ मैं पूछा कि असली मुछा वा तो बाकी भी यानी कि अच्छी फैमिली आ तो इन्हों के नाल असी जानते इन्हों को कि कितों आए हैं तो इन्हों का किन्ने रोज़ दिन का प्लान है क्योंकि आते तो है तो कदों तो आ रहे हैं। हाँ जी पहले दसो जी की ना तो पहले तो हम लोग तो काफ़ी टाइम से निकले हुए हैं 15 डेज से हम लोग पूरा पाकिस्तान टूर किया है। हम आलम जब्बा गए कोयटा गए मरी गए नारान कागान और कश्मीर पूरा और पूरा घूम के फिर हम इधर आए आज ही हम आए इधर तो बड़ा मज़ा आता है। 35 ईयर्स हम इधर आ रहे हैं। अच्छा 35 साल तो 35 साल से पूरी हस्बैंड की फैमिली ये सब ये सिस्टर है ये काफ़ी टाइम के बाद आई हैं आज 13 साल के बाद 13 ईयर्स के बाद लेकिन मैं रेगुलर हूँ मैं एवरी ईयर आती हूँ। अच्छा ये पूरा आपने इसके साथ ये प्लान किया कि बाकी पाकिस्तान भी घूमेंगे और यहाँ भी? नहीं नहीं बस अब बच्चों की और ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं है तो बस इतना ही था। अच्छा। इसको हमने स्टॉप किया यहाँ पे बस वाहेगुरु के दरवाजे से। कल करतारपुर का है। अच्छा। तो कल हम वहाँ पे जाएंगे करतारपुर। अच्छा। मैं कभी नहीं गई तो मैं कल करतारपुर जाऊँगी। अच्छा। जी अच्छा पहले 35 साल तो तुम आ रहे हो पहले तो होने वाले बहुत फर्क है बहुत है अब बहुत ज़्यादा क्लीन है सफाई है और अच्छा है लेकिन लास्ट ईयर तो नहीं हुआ था कोरोना की वजह से लोग बहुत कम थे लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं
मज़ा आ रहा है हमको, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी तो आज पहला डे है, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है जी। अच्छा तुसी दसो जी तुहाडा की नाम? रवि कुमार। अच्छा ये मुछां तुहाडियां जिहड़ियां वा असली है? असली है बिल्कुल। ये किदां बड़ियां जबरदस्त सेट कीतियां होणियां ये, मेहनत की है इसमें। कितनी मेहनत हुई? लगभग 3 महीने मेहनत हुई है। अच्छा फिर जाके खड़े हैं। अच्छा अच्छा बेटा आप थोड़ा दा की है? नहीं हां। अच्छा मेरे बाकी दे थोड़ी फैमिली आ रही है 35 साल तो तुसी किन्नी कितने साल तो आ रहे? तकरीबन शी इज 19 इयर्स। अच्छा जी कैसा लगता है यहां? अच्छा लगता है। वो क्या-क्या करते हो? हम लोग बस आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। घूमते चले जाते हैं। दर्शन नहीं करते बाबा? हाँ हाँ बाबा जी का करते हैं। सेवा कभी कभी? सेवा बहुत ज्यादा। खाने की सेवा करते हैं बच्चे? नहीं आप बोले भाभी जी, आप बोले। हमें भाई बहुत मजा आता है गुरुद्वारे में, आनंद मिलता है, हर जगह घूम के आते हैं लेकिन यहाँ सुकून ही बहुत है, बहुत आनंद आता है, मजा आता है फैमिली के साथ। जाते हैं अमृत वेला टाइम पे, सुबह उठते हैं रेगुलर, यहाँ पे जितने दिन होती हूँ तो सुबह जाती हूँ, फिर शाम को रात अरदास होती है वो टाइम भी कवर करते हैं, और शाम के टाइम भी फिर यहाँ पे सब मतलब। अच्छा जी साल में ये वाहिद मौका होता है जब आप बाहर आते हैं पूरी फैमिली के साथ? पूरा जी है, बिल्कुल यही होता है कि यहाँ नवंबर में यहीं पे आते हैं और यहीं पे बच्चों के साथ फिर घूमते फिरते जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान टूर आज काफ़ी टाइम के बाद इधर किया अभी इस साल। अच्छा। वैसे नहीं किया कभी भी, कहाँ घूमते आए, एक कोना छोड़ दिया मैंने और वो नेक्स्ट डे रखा है, 3 कोने मैंने घूम लिए हैं पूरे, एक कोना हुंजा और गिलगित वो हमारा रह गया क्योंकि टाइम नहीं था तो इसलिए, और कुछ बस ठीक है। थैंक यू जी। तुसी ए फैमिली इन्होंने नाल दस रहा है कि असी पूरा पाकिस्तान भी हूँ घूम के आए, इतने तो 35 साल तो आ ही रहे, तो इस बार इन्होंने कहा चलो। अच्छा एक बड़ी गल कि इतने खासकर जोड़े साढ़े सिंधी हिंदू बरादरी है उन्होंने वो साल बाद उन्होंने आना हों वा तो पूरी पूरी फैमिलीज आदि वा, तो नाल फिर एक उन्होंने की कह लो कि एक सफ़र भी हो जाता वा, एक टूर भी हो जाता वा, घूम फिर भी लेंदे आ, तो बाबा जी दे आके दर्शन भी कर जाते हैं, तो इतने आके जो फिर टाइम गुजारते हैं वाली यादगार हूँ। 35 साल तो मुसलसल आना बड़ी वड्डी गल है, तो इदा के होर लोग भी है जो मुसलसल आ रहे। देखिया तुम इतने लोगों गलबात भी की, आप जाके मिले भी हाँ, उन्होंने पूछा भी आ, हर कोई बहुत खुश आ बाबे दे आस्थाने ते आके, बाबा गुरु नानक दे दर ते आके हर बंदा खुश आ, ते ओ जिहड़ा बाबा जी का प्रकाश पुरब है इनू भरपूर तरीके नाल मनाना चाहता, और कई सालों तो लोग मुसलसल आ रहे, ऐसे ऐसे लोग भी मिले जो 20 सालों तो आ रहे, तो हुण इन्हां नू इंतजार आ मरकजी तकरीबात का, जिदन नगर कीर्तन होना वा तो असल प्रोग्राम होना।